मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था। एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है। राजनीति में कभी कभी नेताओं से भी गलती हो जाती है। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने तो येदुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर वन सरकार का अवार्ड दिया। संदीप जी जवाब देंगे राहुल जी का, संदीप पात्रा जी। लेकिन उसके लिए उन्हें माफ करा जा सकता है, आखिर वो भी इंसान ही है। लेकिन कुछ विचित्र प्राणी ऐसे भी हैं जिनकी सोच पे टिप्पणी ही नहीं की जा सकती। वो सोच समझ के ऐसी बातें बोल जाते हैं जो न सिर्फ रिडिक्यूलस है पर देश की जनता की चिंता का कारण भी है। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था। एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है कि ये क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। गलती से बोली जाती तो एक बार के लिए हम समझ भी सकते थे, पर सोचिए ये बातें रिसर्च करवा के खुद अप्रूव करके सामने रखे नोट शीट से पढ़ी जाती है। और ये व्यक्ति अगर एक और बार प्रधानमंत्री बन गया तो साइंस के साथ साथ देश की हिस्ट्री भी बदल डालेगा। क्या आपको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो 5 साल से हर दिन देश की नाक ही कटवा रहा है? नमस्ते इंडिया, आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज 5 साल में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बताइए मोदी जी, चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में माहौल कैसा है? सुनेंगे? हाँ, सुनने के लिए तो बैठे हैं। वो घबराए हुए भी हैं और बौखलाए हुए भी हैं। अच्छा, वैसे होना भी चाहिए, आखिर आपने इन 5 सालों में किया ही क्या है। लेकिन ये बताइए आप, इन 5 सालों में किसको सबसे ज्यादा समस्या में डाला है आपने? किसान, दुकानदार, मजदूर, सबको। काफी सच्चे मूड में लग रहे हो आप। लेकिन बताइए मोदी जी, आप इतनी चुनावी रैलीज कर रहे हैं, जनता क्या चाह रही है इस बार? बता दो। हाँ जरूर बताइए। जनता की जिगर में एक ही संकल्प सामने आ रहा है और वो है मोदी को हटाओ। आपकी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि जनता में आपके खिलाफ इतना आक्रोश है? जनता सब कुछ माफ कर सकती है, विश्वासघात कभी माफ नहीं कर सकती। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया है? मेरा भी मन करता है खुल करके बोल लूं। चलिए ठीक है, अब आखिरी सवाल, इस बार चुनाव में हार किसकी होने वाली है? एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी।
मोदी जी, आपका ये ऑनेस्ट अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू देख के आपके साथ बैठ के आम खाने का मन हो गया है। थैंक यू मोदी जी हमें ये इंटरव्यू देने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आई होप आपने जो भी बातें कही इस इंटरव्यू में वो सच हो, अनलाइक आपकी रैलीज में प्रोमिसेस की तरह।